थानाबाग कॉलोनी अंतर्गत एक महिला शिक्षिका के घर में अधिन विहार कॉलोनी में लूट की घटना कारित की गई थी। वो अब प्रेस हो गई है, बाग सेवनी प्रेस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी इनके निर्देशन में एसडीओपी साहब एडिशनल एसपी हितेश चौधरी एसडीओपी अतीक खान साहब ने इसमें अच्छी मेहनत की और जो टीआई थे वो खुद भी लगे रहे। हम लोग भी थाने में जाकर डायरिया दिख रहे, हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें कि हम लोगों का रोज डिस्कशन होता था। फाइनली ये मामला ट्रेस हो गया। इसमें मामला कुछ इस प्रकार है कि इसमें तीन लोगों की गैंग थी, इसमें दो इसमें जो है मेंबर वो नाबालिग हैं, बाकी एक जो इसमें जो बालिग व्यक्ति है वो नाम दुष्यंत महेश्वरी है, वो अलीगढ़ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। वहाँ भी उसने 2016 में एक देवरा चोरी की वारदात, यहाँ पे उनसे यहाँ शरण लेके आया था पढ़ाई करने, फिर अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको मिल गए वो दो लोग। उन्होंने बताया कि मैडम जैसे कि आप सभी को विदित था, इसमें 2 जनवरी को अरविंद विहार कॉलोनी में एक सनसनी की लूट हुई थी शिक्षिका के साथ। तो पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया, बात कर लिया पुलिस थाना प्रभारी एस डी पी एडिशनल सभी लोग उसमें लगे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये फाइनली ट्रेस हो गई है। इसमें 3 लोगों का गैंग था जिसमें 2 नाबालिग है, एक आरोपी इसमें जो है 21 वर्षीय है दुष्यंत माहेश्वरी जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पे 4 महीने से अपने मौसी के यहाँ संताशाराम नगर में ये आ गया था और इसको यहाँ पैसे की जरूरत हुई। ये अन्य दो जो में जो नाबालिग बच्चे हैं उनके ये कॉन्टैक्ट में आया, उनके थ्रू इसको पता चला कि यहाँ एक शिक्षिका रहती है जो कि जिनसे ये घटना कोई कार्य करके उनसे चोरी या लूट की उनसे पैसा ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने उनके घर की रेकी की और फिर ये घटना कार्य की। फाइनली अब सभी लोग पुलिस ने पकड़ लिया और ये मामला पर्दाफाश हो गया। अभी तक इसमें जो लैपटॉप किया था मैडम का वो जब्त हो गया, एक सैमसंग मोबाइल जो उनका मेन मोबाइल था वो भी जब्त हो गया और अभी 30,000 रुपये जो कहते मैडम थे तो 24,000 रुपये जब्त हो गए।